गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत करता हूं मैं अभी के सेशन में आप सभी लोगों का, जिसमें हम देखेंगे कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, वी हैव लॉन्च द सीरीज मैप प्रैक्टिस फॉर UPSC बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसमें हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व फोकस कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं इस सीरीज में, एक एक वीडियो एक एक बायोस्फीयर रिजर्व पे फोकस कर रहा है। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग द वेजिटेशन एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स बिसाइड्स द लोकेशन, और इसी में हमारा अभी का सेशन फोकस करने वाला है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम में लोकेटेड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। और इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड दैट मेक्स इट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एंड अदर एग्जामिनेशंस। यहां से सवाल निकल सकते हैं और UPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकल सकता है यहां से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को टू गेट द बेस्ट वीडियोस पॉसिबल और अपडेट्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीडियोस। और मैं ये भी बता दूं दैट आई एम ऑल्सो एन अनअकैडमी एजुकेटर टेकिंग अप द क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी ऐप पर मेरे स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पेशल क्लासेस अभी चल रहे हैं मैपिंग के भी और ज्योग्राफी के भी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो टेक अप करेंट अफेयर्स अपॉन द अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक UPSC CSE। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन। ये है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल्स। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज होती है। चलिए एक इंट्रो देख लेते हैं सबसे पहले अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल मार्क सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, तो ज्योग्राफिकल रीजन्स, एज यू कैन सी दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, ज्योग्राफिकल रीजन्स, लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनेस्को का डेफिनेशन है ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम वहां का प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उससे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। एंड इतना ही नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व सारी कंट्रीज अपने यहां डिमार्केट करती है, डिमार्केट इट अपॉन द रीजन। यस, एक रीजन होता है ये, डिमार्केशन मींस मार्किंग, ठीक है। और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, दे आर नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स टू यूनेस्को एज वेल। तो जब ज्योग्राफिकल रीजन ये होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स और इनका एक बार डिमार्केशन मार्किंग हो जाता है, ठीक है, और प्रिजर्वेशन बिगिंस फॉर द इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद द गवर्नमेंट्स आल्सो नॉमिनेट देम फॉर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब ये यूनेस्को क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एज यू कैन सी इट हियर, यूनेस्को। और इसका एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, लॉन्च किया गया था 1971 में। यस, और इसी में this man and biosphere program consists of the list of biosphere reserves which are chosen by UNESCO for the funding. So man and biosphere program ek global program hai, UNESCO ne start kiya tha 1971 mein, and based upon certain criteria and parameters it chooses the biosphere reserves across the world in this list, aur uske baad it also funds these biosphere reserves. तो इतना याद रखिए, सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, ओनली दोज विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया आर इन द लिस्ट। एंड अगला पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट्स, दैट जस्ट अ मिनट, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 टेरिटरीज होती है, यू कैन सी द कोर एरिया, दिस वन द कोर एरिया, उसके बाद ये देखिए बफर जोन, और ये देखिए ट्रांजिशनल एरिया। तो कोर एरिया, एज यू कैन सी, यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटीज अलाउड है, इनफैक्ट यहाँ पे केवल रिसर्च अलाउड है, रिसर्च। व्हाइल बफर एंड ट्रांजिशनल जोन्स आउटसाइड हैं, ठीक है, आउटसाइड द कोर एरिया, और कोर एरिया इज इनफैक्ट डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ओनली एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
और ये देखिए उसके बाद जो बाहर का बफर एंड ट्रांजिशनल जोन है उसमें रिसर्च भी अलाउड है, टूरिज्म भी अलाउड है, एज यू कैन सी टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है ये देखिए, ठीक है, ऑल्सो एजुकेशन इज अलाउड, यस यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज आर परमिटेड इन द बफर एंड ट्रांजिशनल जोन्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टूरिज्म, एंड यू कैन सी दिस दीज रीजंस आर इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, सारे बायोस्फीयर रिजर्व में एक कोर, एक बफर, एक ट्रांजिशनल जोन होता है, यस, कोर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये देखिए इसके बाद ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का लिस्ट, तो इसी तहत आप देख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द अर्लियर सेशन, जहां लोगों ने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज, यू कैन क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सी दैट वीडियो, ओके, सो दिस इज इट, दिस यू कैन सी, यस, बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है उसमें ये देखिए, यहाँ पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम में लोकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम में लोकेटेड कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में लोकेटेड, वी हैव ऑल्सो कवर्ड द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वी हैव ऑल्सो कवर्ड द रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, और अब हमारा फोकस कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम पे फोकस्ड। तो आइए देखते हैं ये क्या सिक्किम में हिमालय आता है, यस स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर, हिमालय इज देयर इन सिक्किम, इनफैक्ट ये देखिए राइट फ्रॉम दिस इन इंडिया, राइट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, द हिमालय एक्सटेंड्स थ्रू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ सिक्किम, यस, और सिक्किम में इनफैक्ट जो माउंट कंचनजंगा है, माउंट कंचनजंगा इज द थर्ड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यस थर्ड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और उसी के नाम पे पड़ा है ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, एज यू कैन सी ये देखिए कंचनजंगा माउंटेन पीक 8586 मीटर्स, जस्ट नेपाल के साथ जो बाउंड्री लग रही है इंडिया की, इंडिया नेपाल बाउंड्री दिस इज लोकेटेड, और इसी के आसपास का एरिया देखिए ये कंचनजंगा नेशनल पार्क और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज होती हैं, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द कोर एरिया इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। और ये देखिए ये सिक्किम का कैपिटल गंगटोक, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द वेरी फेमस सिटी कालिम्पोंग ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, सो दिस इज कंचनजंगा, लेट्स सी द ये लोकेशन हो गया, लोकेशन वेस्टर्न साइड ऑफ सिक्किम, सिक्किम का वेस्टर्न साइड मींस पश्चिम के साइड में सिक्किम में लोकेटेड है नियर नेपाल बॉर्डर। सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ दिस फीचर्स ऑफ द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, यू कैन सी इट हियर, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम बॉर्डरिंग नेपाल टू द वेस्ट एंड तिब्बत टू द नॉर्थ वेस्ट, दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम्स इन द होल वर्ल्ड। सो हाईएस्ट इकोसिस्टम्स इन द वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम में इसका नाम गिना जाता है पूरे विश्व में, और वेस्टर्न साइड ऑफ सिक्किम में ये लोकेटेड है, एंड द एलिवेशन इज 1220 मीटर टू 8586 मीटर्स अबव सी लेवल, यू कैन सी वेरी ह्यूज हाइट, इनफैक्ट एक अच्छा खासा पोर्शन इसका स्नो बेल्ट में, यस एल्पाइन जोन और उसके ऊपर स्नो लाइन के ऊपर का पोर्शन, और ये स्नो कवर्ड पीक है, इनफैक्ट ये हिमाद्री का पीक है, हिमाद्री माउंटेन्स का, ग्रेटर हिमालय का पीक है माउंट कंचनजंगा, दिस साइट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इट इंक्लूड्स वास्ट नेचुरल फॉरेस्ट दैट सपोर्ट हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी विद हाई एंडेमिज्म, बहुत एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनफैक्ट अच्छे खासे एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अच्छे खासे फौना यहाँ रिजेंबल करते हैं, लेकिन कुछ लोकल स्पीसीज भी हैं एंडेमिक। द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यस बायोस्फीयर रिजर्व में फोकस होता है लोकल्स के साथ मिलकर कंजर्वेशन करना, लोकल्स वहां बेस्ड रहते हैं कहां पे, बफर एंड ट्रांजिशनल एरियाज में, यानी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द बफर एंड ट्रांजिशनल बेल्ट्स नॉट इन द कोर एरिया, और यही लोकल्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इनफैक्ट पूरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पे फोकस्ड, और एग्रीकल्चर में भी क्रॉप कल्टीवेशन पे उतना फोकस नहीं जितना कि एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड एक्टिविटीज।
तो ये देखिए अगला पॉइंट द बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें लोकल्स के बारे में डिस्कशन इस स्लाइड पे किया गया, एज यू कैन सी हियर द बायोस्फीयर रिजर्व हैज हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल वैल्यूज, मेनी ऑफ द माउंटेन्स एंड पीक्स, लेक्स, केव्स, रॉक्स, स्तूपास एंड हॉट स्प्रिंग्स आर द सेक्रेड एंड पिलग्रिमेज साइट्स, यस। और यहाँ अच्छी खासी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, इन द सेम वे एज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और एक मोनेस्ट्री है द थोलुंग मोनेस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम में लोकेटेड, THOLUNG, थोलुंग मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे खासे यहाँ पे सीक्रेट साइट्स हैं। एंड देर आर नो लोकल कम्युनिटीज विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व इनसाइड द कोर एरिया, कोर एरिया के अंदर की बात हो रही है। इन द ट्रांजिशनल जोन देर आर 8353 फैमिलीज, यस, और वो भी यहाँ पे लेपचा ट्राइबल कम्युनिटीज बेस्ड हैं, ट्रांजिशनल बेल्ट में लेपचा ट्राइबल कम्युनिटीज, एज यू कैन सी हियर LEPCHA लेपचा ट्राइबल्स, द लोकल ट्राइबल्स लेपचास, दे आर लिविंग इन द ट्रांजिशनल बेल्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। और ये देखिए ट्रेडिशनल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री कैरी आउट करते हैं, सबसिस्टेंस एक्टिविटीज है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे फिर से वही कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ और डेटा, एरिया 850 स्क्वायर किलोमीटर्स, वन ऑफ द फ्यू हाई आल्टीट्यूड हाई हाइट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री, एस्टैब्लिश्ड इन 1977 एज अ नेशनल पार्क, द रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट कंचनजंगा, एज यू कैन सी द कंचनजंगा मीन्स फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का माउंट कंचनजंगा हिमाद्री माउंटेन्स का, और इसका मतलब होता है फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी में हिमालयन मस्क डियर, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन थार आर द फेमस फौना, और यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, यस। एंड यहाँ देखिए फेमस ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर एंड सिमियो ग्लेशियर्स आर लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो जेमू ग्लेशियर और सिमियो ग्लेशियर याद कर लीजिए, सिक्किम के नॉर्दर्न बेल्ट में ये लाई करता है। वेजिटेशन इंक्लूड्स टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, यस, तो टेम्परेट माउंटेनियस टाइप के फॉरेस्ट है यहाँ पे, लेट सी द वेजिटेशन इन डिटेल, लेकिन साथ में एल्पाइन ग्रासेस, यस, हायर हाइट पे जो वेजिटेशन पाया जाता है, इनफैक्ट पूरा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व माउंटेनियस वेजिटेशन के लिए फेमस है। और ये देखिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया गया 2016 में, यू कैन सी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज पे हम सेपरेट एक्सेशन लेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिनोट करने के विच आर द फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिनोटेड, और कौन कौन से इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सो डोंट वरी फॉर इट, आई विल टेक अ सेपरेट सेशन एट द लास्ट, बट ये याद कर लीजिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। And 86% of the core lies in the alpine zone. ये देखिए snow covered mountain peak 86%. ये सवाल UPSC में आ सकता है, which national park, which biosphere reserve of India has maximum of its area under alpine zone? Almost 90% of its area under alpine zone. It's 86%. ये याद कर लीजिए data. और चलिए आगे देखते हैं इसका वेजिटेशन देखते हैं। ये देखिए लोकेशन माउंट कंचनजंगा, ये देखिए ये ज्यादा अच्छा मैप आपको देखिए डिनोट कर रहा है ये, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ माउंट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, एज यू कैन सी द वेस्टर्न पार्ट विद नेपाल, यहाँ भी देखिए वही मैप, ये देखिए ये पूरा बेल्ट ग्लेशियर है, ये देखिए ग्लेशियर बेल्ट, दिस इज द सिक्किम बाउंड्री विद नेपाल एंड ये पूरा बेल्ट ग्लेशियर बेल्ट, सो दिस यू कैन सी जो भी व्हाइटिश एरिया ब्लूइश एरिया दिख रहा है वो सब का सब ग्लेशियर बेल्ट है, मूविंग शीट्स ऑफ आइस, ठीक है। ये देखिए वेजिटेशन, सबसे पहला वेजिटेशन माउंटेन वेट टेम्परेट, ये देख सकते हैं आप, माउंटेन वेट टेम्परेट, ये हाइट ऑफ 1800 meters टू 3000 meters अबव सी लेवल, 1800 meter से 3000 meter अबव सी लेवल तक ये पाया जाता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट माउंटेन वेट टेम्परेट, वेट मींस बहुत ज्यादा रेन्स वाला, यस रेन्स हो रहे हैं अच्छे खासे,
और टेम्परेट का मतलब है लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स। तो देखिए हैव अ लुक, मीन एनुअल रेनफॉल इज 150 टू 300 सेंटीमीटर। यस, अच्छी खासी बारिश, अच्छी खासी बारिश। सो माउंटेन वेट, वेट मीन्स हैवी रेन्स, एंड टेम्परेट मीन्स लो टेम्परेचर्स 11 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस। दिस शोज दिस फॉरेस्ट इज वेरी वेरी दिस क्या कहते हैं, हैविंग हैवी रेन्स एंड गुड वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन माउंटेन के ऊपर। और हाइट देखिए 1800 से 3000 मीटर अबव सी लेवल। और ये कहां पाया जाता है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट। तो ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट में कुछ पोर्शन सिक्किम में भी पाया जाता है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का। आइए आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, दिस इज द नेक्स्ट फॉरेस्ट, माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये देखिए माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, यू कैन सी इट हियर। ये सिक्किम में देखिए लोकेशन, अच्छा खासा लोकेशन, 1500 मीटर से 3300 मीटर तक। ये इनफैक्ट फ्लैगशिप वेजिटेशन है इस बेल्ट का, सिक्किम का। 1500 से 3300 मीटर तक माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट इज फाउंड इन सिक्किम। एनुअल रेनफॉल 150 टू 250 सेंटीमीटर। ये देखिए और ज्यादा हैवी बारिश। माउंटेन मींस माउंटेनियस, मॉइस्ट मींस हैवी रेन्स, टेम्परेट मींस लो टेम्परेचर्स। और ये कवर द एंटायर लेंथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज, कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दार्जिलिंग एंड सिक्किम तक ये पाया जाता है। और ये माउंटेन, ये ट्रीज देख लीजिए यहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, कनिफर ट्रीज से ये भरा हुआ है। एंड ये ट्रीज बहुत हाई हाइट के होते हैं, 30 से 50 मीटर हाई हाइट। सो 30 टू 50 मीटर हाइट के ट्रीज हैं। नाम है माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट। सो पाइन्स, सेडार, सिल्वर फर, स्प्रूस एटसेट्रा आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज आउट हियर। तो दिस कैन बी रिगार्डेड एज द फ्लैगशिप, फ्लैगशिप मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन ऑफ सिक्किम। जबकि जो आपने इसके पहले देखा है, ये माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट है, इसके पहले आपने देखा माउंटेन वेट टेम्परेट। माउंटेन वेट टेम्परेट सिक्किम में पाया जाता है, बट इट इज नॉट फाउंड इन दैट मच अमाउंट। यस, देखिए इनफैक्ट माउंटेन वेट टेम्परेट बहुत ज्यादा पाया जाता है दिस इन द ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, मीन्स इन द ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उस बेल्ट में ज्यादा ये पाए जाते हैं। यस, बट स्टिल सम स्टैंड्स आर, सम स्टैंड्स ऑफ दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सिक्किम बेल्ट ऑल्सो। तो आई सपोज माउंटेन वेट टेम्परेट एंड माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट आपको याद रहेगा। उसके बाद लास्ट वेजिटेशन यहां का, ये देखिए लास्ट वेजिटेशन, ये देखिए एल्पाइन फॉरेस्ट। ये देखिए 3500 मीटर के ऊपर ये एल्पाइन फॉरेस्ट, ये देखिए सॉरी 2900 मीटर से लेकर 3500 मीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल से हायर हाइट पे 2900 मीटर्स टू 3500 मीटर्स अबव सी लेवल दिस एल्पाइन फॉरेस्ट इज फाउंड। एल्पाइन में भी सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन एंड ड्राई एल्पाइन। ड्राई एल्पाइन सबसे हाईएस्ट हाइट पे 3500 मीटर के आसपास, 3500 मीटर्स अबव सी लेवल दिस ड्राई एल्पाइन। और ये आप देख ही सकते हैं इस एल्पाइन फॉरेस्ट को, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउट द इमेज, छोटे स्टंटेड ट्रीज, स्टंटेड ट्रीज स्टूडेंट्स, ये देखिए आप हर जगह स्टंटेड ट्रीज दिखेंगे आप, एंड छोटे मोटे पेड़, ठीक है कुछ पेड़ ही टॉल दिखेंगे, अदरवाइज ग्रासेस, स्टंटेड ट्रीज, स्टंटेड वेजिटेशन इज द यू कैन से द मोस्ट क्रूशियल फीचर ऑफ एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन। सो दिस इज इट अबाउट द, यस यू कैन सी इट हियर, एल्पाइन वेजिटेशन। ये देखिए ट्रीज है, स्टंटेड वेजिटेशन है, टॉल ट्रीज नहीं है और ग्रासेस है, इसलिए कि टेम्परेचर भी लो है, बारिश भी थोड़ी लो, ठीक है। और ये एल्पाइन वेजिटेशन हमेशा 3000 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। और ये देखिए वेजिटेशन की बात चल रही थी, एक न्यूज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, हिमालयन ट्रिलियम इज अ हर्ब। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दिस इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। और ये सिक्किम में भी पाया जाता है, ये देखिए सिक्किम में
इसको नाग छतरी कहते हैं, यू कैन सी इट है, इट्स अ हर्ब, स्मॉल स्मॉल प्लांट हर्ब, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है, यस। एंड अभी ये लगभग ये एंडेंजर्ड, इसको टैग किया गया IUCN की तरफ से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज टैग्ड इट एज एंडेंजर्ड। ये जस्ट दिसंबर 2020 का न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC prelims 2021 एंड 2022। हिमालयन ट्रिलियम इसको याद कर लीजिए, और देखिए इसका डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, हिमालयन ट्रिलियम एक कॉमन हर्ब, ठीक है, टैग्ड एज एंडेंजर्ड। इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ये देखिए, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, वुंड्स, स्किन बॉयल्स, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, अच्छी खासी बीमारियां ठीक करता है, पेट की बीमारियां, स्किन की डिजीजेस, ऑल्सो दिस इन्फ्लेमेशन, ऑल्सो मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ऑल्सो एंटी एजिंग एजेंट, ऑल्सो एंटी कैंसरस एजेंट, ह्यूज प्रॉपर्टीज इन हिमालयन ट्रिलियम हर्ब। आप देख सकते हैं इस हर्ब को, ये देखिए, इसको नाग छतरी भी बुलाते हैं, यस। और ये देखिए, इट इज फाउंड इन टेम्परेट एंड सब अल्पाइन ज़ोन्स, यू कैन सी इट हियर, द हाइट, हाइट यहां दिया हुआ है 2400 मीटर से 4000 मीटर अबव सी लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट हाइट, ठीक है। हाइट यानी कि किस रेंज में, यानी अल्पाइन बेल्ट में ये पाया जाता है, अल्पाइन जोन में, यस। और इंडिया में सिक्किम में ये पाया जाता है। और ये इसका ये क्यों एंडेंजर्ड हुआ है, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉन्ग लाइफ साइकिल, यस, बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी, इट टेक्स मेनी इयर्स टू रीच द रिप्रोडक्टिव एज, मैच्योरिटी एज, ये देखिए, एंड वेरी पुअर कैपेसिटी ऑफ सीड डिस्पर्सन। तो ये सारे फैक्टर्स, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं और कुछ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसके कारण इसकी संख्या, इसके नंबर्स आर कमिंग डाउन ड्रास्टिकली, ये नंबर्स हाफ हो गए हैं रीसेंट टाइम्स में। सो दिस इज इट। और ये देखिए, फौना की बात करें तो फौना में वही फौना, द सेम फौना इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, द सेम फौना इज फाउंड इन आउट हियर, यू कैन सी इट हियर। तो ये देखिए, द स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, न्यूमरस प्लांट स्पीसीज, ये देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले IUCN का टैग देख लेते हैं हम लोग, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को टैग देता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। ये देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये नंबर्स के हिसाब से इनको टैग दिया जाता है, ठीक है, कि इनकी संख्या कम हो रही है, इनका एरिया कम हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंट इन द वाइल्ड का मतलब होता है कि वो अपने नेचुरल रीजन में एक्सटेंट हो चुका है, जहां वो रहता था। एक्सटेंट का मतलब है सबसे अंतिम, मींस लास्ट इंडिविजुअल भी फिनिश हो चुका है। इसका एग्जांपल एक्सटेंट का चीता, यू माइट हैव हर्ड, इंडियन चीता। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और बिकॉज की इसी बेसिस पे हम लोग ये टैगलाइंस जो है इसी पे हम देखेंगे, फौना ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल टैग किया है IUCN ने, यू कैन सी दिस वल्नरेबल, ये है यहाँ, पहले ये एंडेंजर्ड था, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया एंड इसके नंबर्स बढ़े हैं, नंबर्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर्स विल इंक्रीज, इट विल बी शिफ्टेड दिस साइड, यू कैन सी इट, तो वल्नरेबल है ये, यू कैन सी इट हियर, एंड पोचिंग, इसके बॉडी पार्ट्स का स्मगलिंग भी होता है, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है इस बेल्ट में, इसी वजह से स्नो लेपर्ड्स नंबर्स हैव गॉन डाउन। इट इनहैबिट्स द अल्पाइन एंड द सब अल्पाइन ज़ोन्स, एज यू कैन सी, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन बेल्ट स्नो में रहता है ये। देखिए यहाँ पे 3000 से 4500 मीटर अबव सी लेवल स्नो लाइन के आसपास ही रहता है ये, एंड इंडिया में इट लिव्स इन द अपर रीजन्स ऑफ द फोर स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन लद्दाख, इट इज फाउंड लद्दाख यूनियन टेरेटरी। ये देखिए, हिमालयन मस्क डियर, ये भी पाया जाता है, ये पाया नंदा देवी में, हम लोगों ने इसे भी पढ़ा था। ये देखिए, इसे दिस एंडेंजर्ड टैग किया गया, ये देखिए IUCN रेड लिस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हिमालयन मस्क डियर इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, इन द हिमालयन बेल्ट, यू कैन सी इट, एंडेंजर्ड टैग किया गया है।
और ये देखिए, ये है भरल। भरल मींस हिमालयन ब्लू शीप। दिस इज द एनिमल ऑन विच द स्नो लेपर्ड प्रेज अपॉन। यानी इसी को, यही फूड चेन में है स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड इसी पर डिपेंड करता है फूड के लिए। भरल कहते हैं इसे, हिमालयन ब्लू शीप, वेरी इंपॉर्टेंट भरल। और देखिए लास्ट में तिब्बतन गैजील, ये देखिए ये भी यहाँ पाया जाता है। यू कैन सी द तिब्बतन गैजील, वेरी वेरी क्रूशियल। तो तिब्बतन गैजील को गोवास भी कहते हैं, नेटिव टू तिब्बतन प्लेटू। 5,750 मीटर अबव सी लेवल। सो इट इज फाउंड इन द सब एल्पाइन एंड अल्पाइन जोन, सेम एज द स्नो लेपर्ड। और ये देखिए इंडिया में इट इज फाउंड इन सिक्किम कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। आल्सो इट इज फाउंड इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यस, तो सिक्किम में, ये देखिए सिक्किम में पाया जा रहा है। ये देखिए सिक्किम लिखा हुआ है, लद्दाख में भी और हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन बेल्ट्स। और इसकी संख्या कम हो गई है, द नंबर्स हैव गॉन डाउन। And the numbers have gone down. This is the reason that इसके conservation की बात शुरू हुई 2020 में. The news came up. So this is it, students. और ये देखिए snow leopard का map में location मैंने already discuss किया, उस snow leopard कहाँ से कहाँ पाया जाता है, you can see here. Sikkim is also a place where snow leopard is present. Yes. तो already ये सारे species discuss हो चुके हैं, ठीक है, earlier सेशंस में। ये देखिए तीस्ता रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम। ये भी न्यूज में था, तीस्ता रिवर का न्यूज आया था, तीस्ता रिवर वाज इन न्यूज। तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को, एज यू कैन सी। तीस्ता रिवर न्यूज में थी बिकॉज ऑफ वाटर शेयरिंग, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच। So Tista comes from the eastern side, while Kanchenjunga is on the western side of Sikkim. इसे याद रखिएगा। From the eastern side of this country. तो students यही था Kanchenjunga के बारे में। I hope आपको session पसंद आया। ठीक है, ये देखिए snow leopard, ठीक है, Tibetan gazelle, और एक और species है यहाँ पे Himalayan sirop. We'll discuss it in the coming session. जब हम मानस रिजर्व देखेंगे, मानस रिजर्व में हिमालयन सीरो पाया गया है। हिमालयन सीरो एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट इन मानस रिजर्व, बट इट इज फाउंड इन दीज रीजंस ओनली, ठीक है। तो ये जरूर से देख लीजिएगा। अल्टीमेटली एक हम लोग क्रक्स पॉइंट पे आ रहे थे, फौना ऑफ कोल्ड डेजर्ट रिजर्व नंदा देवी रिजर्व एंड कंचनजंगा रिजर्व, उसके जो एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज है बहुत हद तक रिजेंबल कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड हो, हिमालयन मस्क डियर हो, तिब्बतन गैजील हो, ठीक है, बरल हो यानी हिमालयन ब्लू शीप, या हिमालयन ट्रिलियम हो, ऑल ऑफ इट रिजेंबल्स इन ऑल दीज थ्री बायोस्फीयर रिजर्व्स। और कंचनजंगा के बारे में एक चीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यूनेस्को ने इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया है। यानी इट हैज फाउंड इट्स वे इनटू द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। यस, ये वो बायोस्फीयर रिजर्व है व्हिच हैज क्वालिफाइड द क्राइटेरिया ऑफ यूनेस्को टू कम अप इन इट्स लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो दैट वाज इट अबाउट द सेशन ओवर द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखिए अब इसके बाद हमें मानस भी देखना है, लेकिन अगला सेशन हमारा फोकस करेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ रहा है एंड हम ये देखने वाले। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे मानस रिजर्व की ओर। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द सेशन एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए या किसी एग्जाम के लिए दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, IAS टॉपर्स मंत्रा। So that's it students, take care, Jai Hind, Namaskar, मिलते हैं अगले सेशन में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पर डिस्कशन में। That's it.